अभी बिल्कुल सुबह सुबह की बात है, अभी मैं राउंड्स लेकर आ रहा हूँ हॉस्पिटल से। कल क्या हुआ था, कल शाम में हमने एक बच्चे को एडमिट किया था डेंगू फीवर को लेकर। अब आप जानते ही हो डेंगू फीवर में क्या कुछ होता है, जो कॉमन सिम्टम्स था इसी सिम्टम्स के साथ बच्चे ने प्रेजेंट किया था इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। एंड बच्चे को क्या था, हाई ग्रेड फीवर हो रहा था, बैकएक हो रहा था, थोड़ा हेडेक था, वॉमिटिंग टेंडेंसी थी, पेट में दर्द हो रहा था, भूख बिल्कुल ही नहीं लग रहा था एंड वीकनेस काफ़ी छाई हुई थी बच्चे पे। बट अच्छी बात ये थी कि बच्चे का वाइटल्स बिल्कुल स्टेबल था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था एंड पल्स रेट भी अराउंड नॉर्मल ही था। तो उन्हें हमने एडमिट किया एज डेंगू फीवर, सिम्टोमैटिक एंड सपोर्टिव थेरेपी पे बच्चे को रख दिया। सुबह जब मैं गया हूँ राउंड्स लेने के लिए तो माँ का हाल बिल्कुल ख़राब हो, बिल्कुल परेशान बेचैन हो रखी है। उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को बचा लो, क्या हो रहा है, क्या हो गया मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा बचेगा नहीं। मैंने राउंड्स पे देखा बच्चे को एक बार अच्छे से, फिर मैंने मदर से बात की कि आखिर ऐसी क्या बात होगी, क्यों आप इस तरीके से बोल रहे हो कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बच्चा बचेगा नहीं। तो माँ का ये कहना कि पूरी रात हो गई एंड बच्चा मेरा रात भर नहीं सोया है, पूरे बदन में हर जगह इसे खारिश हो रही है, जहाँ देखो वहाँ पे इस तरीके से ये खारिश कर रहा है, जिधर भी देखो। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, अचानक से इतनी खारिश क्यों हो रही है मेरे बच्चे को, बचा लो प्लीज मेरे बच्चे। तो आज ये वीडियो उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जिनको डेंगू फीवर में एक समय के बाद खारिश होनी शुरू हो जाती है, इचिंग होनी शुरू हो जाती है। इस बच्चे के पेरेंट्स को तो मैंने अच्छे से काउंसलिंग कर दिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद अगर आपको पसंद आएगा लाइक का बटन जरूर दबा देंगे, शेयर जरूर करेंगे, ताकि ये एक बार एटलीस्ट पॉपुलेशन में सर्कुलेट हो जाए, उन्हें भी आइडिया हो जाए कि आखिर खारिश हो गया तो इसका क्या मतलब होता है, क्या मायने होता है डेंगू। इसका आंसर देने से पहले एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केडो केयर एंड मैं हूं डॉक्टर अनुराग एंड दी पीडियाट्रिक्स। डेंगू फीवर में अगर इचिंग शुरू हो गई है, खारिश शुरू हो गई है, तो खुशियां मनाएं। जी हाँ, खुशियां मनाएं, क्योंकि आप रिकवरी फेज में आ गए हो। एक होता है जब आपको इनिशियल स्टेज में रैशेज अपीयर होते हैं अराउंड फोर्थ फिफ्थ डे ऑफ फीवर, डेंगू फीवर में जब वो रैश आपको डेवलप करता है, खासकर डिपेंडेंट पार्ट्स में, खासकर लेग में, वहाँ भी एक इचिंग होती है, वो रैशेज के ऊपर इचिंग होती है। मैं उस इचिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उस इचिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपके बॉडी में कोई रैश नहीं होगा, कोई भी दाना या रेडनेस ऐसी कोई बात नहीं होगी एंड केवल खारिश खारिश खारिश, इचिंग 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 रहेगी। एंड जनरली ये 9वें दिन के बाद डेंगू फीवर में मैनिफेस्ट करता है और ये शो करता है कि अब आप रिकवरी फेज में आ गए हो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, अब आप रिकवरी फेज में आ गए हो, अब आप ठीक होने वाले हो, आप चाहो तो डिस्चार्ज ले सकते हो हॉस्पिटल से, ये कंडीशन है। तो इसलिए ऐसा कंडीशन कभी भी अगर आपके साथ होता है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, थोड़ी भी स्ट्रेस में ना रहें, क्योंकि अब आपकी छुट्टी होने वाली है। जी हाँ, प्लस अगर आप चाहो कि इसमें कुछ मेडिसिन दे दिया जाए तो ऑफकोर्स देखो, आप मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि एक रिकवरी फेज का सिम्टम है। तो जैसे जैसे डेंगू से आप रिकवर होते जाओगे, वैसे वैसे ये सिम्टम्स भी धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। बट सिम्टोमेटिकली अगर आप चाहो तो बहुत सारा सूदिंग एजेंट आता है जो लोकली आप बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो आफ्टर बेडिंग। एंड दूसरा, अगर आप लेना चाहो तो एंटी हिस्टामिनिक कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल है मार्केट में, आप अपने डॉक्टर के सलाह से एंटी हिस्टामिनिक ले सकते हो। तो ये कुल मिलाकर जानकारी हमें देनी थी आज के वीडियो के थ्रू। उम्मीद करता हूँ पसंद ज़रूर आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन,